गुड इवनिंग एवरीवन, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी रिगार्डिंग एयरफोर्स स्कूल वैकेंसीज और वन ऑफ द क्वेरी वाज अबाउट एज लिमिट। तो हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं अबाउट एज लिमिट कि आप लोग किस एज तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी पोस्ट, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट जो आप लोगों की निकली है। तो अगर आप लोग TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट TGT नाउ, तो आप लोग 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप एक फीमेल है तो आप लोगों को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। नाउ बात कर लेते हैं हम PGT की। तो अगर आप PGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो आप 36 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं इन एयरफोर्स स्कूल। एंड अगर आप एक फीमेल है तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप 46 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। नाउ बात कर लेते हैं PRT की। तो PRT की आपकी एज लिमिट है 30 ईयर्स। एंड अगर आप एक फीमेल है, अगेन आप लोगों को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका मतलब आप 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन फीमेल को मिल रहा है, फीमेल कैंडिडेट्स को मिल रहा है इन TGT, PGT एंड PRT पोस्ट ओनली। एंड अगर आप एक लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों की एज 27 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप LDC पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 27 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। एंड अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी एज का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, चाहे अगर आप LDC में हैं, चाहे लैब असिस्टेंट हैं, चाहे आप कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पर इसमें कोई भी फीमेल को रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। सिर्फ रिलैक्सेशन आपको 10 ईयर्स का टीचिंग पोस्ट में ही देखने को मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।